सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अमन कुमार और संजय भाई बिजनेस आइडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सो गाइस, आज हम जो वीडियो लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए, सो गाइस ये जो वीडियो है जो हमारे गोट्स यानी एनिमल्स जितने भी हमारे जानवर हैं उनके रिलेटेड ये वीडियो होने वाली है। सो गाइस, इस वीडियो में जो है बकरों में जो भी बीमारी पैदा होती हैं उनके रिलेटेड हम आज आप लोगों को नई नई दवाएं बताने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और हर एक दवा को अपने जो कॉपी पेन है उस पर लिख लीजिए, ताकि हमसे आप लोग बार बार कमेंट में ना पूछ पाएँ कि बकरे की बुखार की दवा क्या होती है, जुखाम की दवा क्या होती है। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, इस वीडियो में आप लोगों को जो दवा है दो से चार दवा आप लोगों को बताने वाले जो कि एकदम फ़ायदेमंद दवा होने वाली है। और इसी माध्यम से पहली जो दवा हमारी होने वाली है जो कि हिमालय की लिफ 52 प्रोटेक्ट, जो कि 1 लीटर की बोतल आती है और ये लिक्विड फॉर्म में आती है। आप लोग अपने जो जानवर हैं उन्हें आप लोग पिला सकते हैं। और गाइस, इस दवा की फ़ायदे की अगर बात कर लें तो ये बकरों में जो भूख बढ़ाने की समस्या होती है उसमें कारगर है, और बकरों का वजन बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर दवा है। तो गाइस, इस दवा को अपने जो नोट पर लिख लें और हमसे बार बार कमेंट में ना पूछें। इसी के माध्यम से आप लोगों को अब दूसरी दवा के पास लेके चलते हैं और दूसरी दवा जो है आपको दिखाते हैं। और गाइस, इसी के साथ साथ आपको हम दूसरी दवा के बारे में बताते हैं जो कि हमारे पास है, मॉक्स कैप्सूल 500 mg, जो कि हमारे पास कैप्सूल फॉर्म में आता है और ये एंटोबायोटिक होता है। और ये बकरों में जो कोई भी बीमारी पैदा होती है जैसे खांसी है, बुखार है, जुखाम है, अन्य कोई बीमारी है, तब इसको हम एक कैप्सूल सुबह शाम दे सकते हैं। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि गाइस, जिस भी भाई ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। तो गाइस, इसी के साथ साथ चलते हैं तीसरी दवा की ओर और आप लोगों को दिखाते हैं चल के। तो गाइस, तीसरी दवा का जो नाम है वो है ग्रामोजेल टेबलेट, जिसका उपयोग हम ग्रामोजेल टेबलेट एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल डायरिया, दस्त और पेचिस के इलाज के लिए किया जाता है। और ये एक इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए एकदम कारगर दवा मानी जाती है। तो गाइस, अब चलते हैं चौथी दवा की तरफ और आपको चौथी दवा का भी हालचाल बताते हैं। तो गाइस, चौथी दवा का जो नाम है उसका नाम है आरएक्स कीटोन प्रोफीन, जिसका इस्तेमाल यह कुछ विशेष रासायनिक संदेश बाहों में किया जाता है। और इसके रिलेटेड इसमें जैसे कि बुखार, दर्द, सूजन, लाल होना और फूलना, इन सब कारणों से अगर आपके बकरी या बकरा जूझ रहा है तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका नाम है कीटोप्रोफीन। और गाइस, इसके साथ साथ ये दवा जो है एंटोबायोटिक रहने वाली है, जिससे आप किसी भी बीमारी को इस बकरा या बकरी में दूर कर सकते हैं। आप लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करके हर बकरा बकरी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। और गाइस, इसी के साथ साथ हम आप लोगों को एक जानकारी और दे दें, आप हमने अभी तक जो भी जानकारी बताई है मेडिसिन के रिलेटेड, तो गाइस जो भी हमसे जानकारी हो सकी वो हम आप लोगों को बता रहे हैं, पर इसके बावजूद आप लोग डॉक्टर की सलाह से ही हर दवा जो है लीजिए। तो गाइस, चलते हैं पांचवी दवा की ओर और आप लोगों को दिखाते हैं। पांचवी जो दवा है उसका नाम है मोक्सीफ्लॉक्सिन आई ड्रॉप, जो कि ये ड्रॉप गाइस आँखों के लिए है। और ये जो मोक्सीफ्लॉक्सिन ड्रॉप है, ये जो ड्रॉप है एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग आँख में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का इलाज करने के लिए होता है। और इसका जो सकारात्मक सूक्ष्मदर्शी जीवों को आगे बढ़ने से ये रोकने के लिए कारगर है। तो गाइस, पांचवी दवा जो है हमने आप लोगों को बता दी और अब चलते हैं लास्ट और छठवीं दवा की ओर। सो गाइस, छः नंबर की जो हमारी दवा है, छठवीं दवा है, उसका नाम है हिमालय 32, जो कि ये जानवरों में भूख बढ़ाने का कार्य करती है। अगर किसी भी बकरी या बकरे का भोजन छूट गया है तो ये एक बार देने से, एक चम्मच देने से आपकी जो बकरी है उसमें जो भूख की समस्या है एकदम से बढ़ जाएगी और आपकी बकरी चारा जो भी है खाने लगेगी।
सो गाइस आप लोगों को हमने 6 दवाइयाँ बताई हैं, इसमें से आप लोगों को जो भी अच्छी दवा लगे आप लोग तुरंत जाके लेकर आइए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपकी बकरी को फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो गाइस यहीं पे करते हैं वीडियो को समाप्त, और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए ऐसी ही नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस आप लोगों के लिए अगर कोई भी मेडिसिन हमसे पूछना है तो आप लोग कमेंट में हर एक मेडिसिन हमें बता सकते हैं, जिसे हम लोग अगली वीडियो में रिव्यू कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू, गुड लक।